वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत उत्तर प्रदेश के 6,10,000 लाभार्थियों के खाते में 2,691 करोड़ की धनराशि का बटन दबाकर ऑनलाइन हस्तांतरण किया, जिसमें 5,30,000 लाभार्थियों को प्रथम किस्त तथा 80,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की राशि शामिल है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बनारस, अयोध्या सहित कुल 5 जनपदों के लाभार्थियों से वार्ता की। वहीं जनपद गोरखपुर 16,355 लाभार्थियों के खाते में प्रथम किस्त तथा 4,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का हस्तांतरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना में धन मिलने पर लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री योगी को आभार व्यक्त किया। इस दौरान कृषि एवं किसान कल्याण, ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश के ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ मोती सिंह जुड़े रहे तथा जनपद गोरखपुर के कलेक्ट्रेट में स्थित NIC भवन के हॉल में मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, विधायक शीतल पांडे, महेंद्र पाल सिंह तथा योजना के लाभार्थी सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए योजना के लाभार्थियों तथा मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह और विधायक महेंद्र पाल सिंह ने कहा, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी ग्राम विकास मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करूंगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी उत्तर प्रदेश सरकार में ग्रामीण ग्राम्य विकास मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह जी, ग्राम्य विकास के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी, प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज, स्थानीय अधिकारीगण और प्रदेश के अलग अलग जनपदों से महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 1 अप्रैल 2016 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लागू घोषणा की थी और ये हमारा सौभाग्य है कि 20 नवंबर 2016 को उत्तर प्रदेश के आगरा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस योजना का शुभारंभ भी किया था। देश के अंदर हर एक गरीब को सिर ढकने के लिए छत उपलब्ध हो सके, यह केवल एक कोरी कल्पना नहीं बल्कि एक हकीकत में देखने को मिले और इस दृश्य देश के अंदर जिस बड़े पैमाने पर गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए बिना भेदभाव के आवास उपलब्ध कराने की जो एक मुहिम प्रारंभ हुई, इसके तहत अकेले उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 14,61,000 से अधिक लाभार्थियों को अब तक आवास उपलब्ध हुए, जिनमें से 14,35,000 आवास कंप्लीट हुए हैं। और आज हमारा सौभाग्य है कि वर्ष 2020-21 के लिए प्रदेश के लिए 7,10,000 आवास स्वीकृत हुए, इसमें से 1,76,000 रुपए की पहली किस्त लाभार्थियों को पहले ही जा चुकी है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से हम उत्तर प्रदेश के 5,30,000 लाभार्थियों को पहली किस्त और 80,000 लाभार्थियों को द्वितीय किस्त का अंतरण, डिजिटल अंतरण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उत्तर प्रदेश के अंदर हो रहा है। यानी 6,10,000 लाभार्थी एक साथ प्रधानमंत्री आवास योजना की एक साथ लगभग 2690 करोड़ रुपए की इस बड़ी राशि ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक के लिए सिर ढकने के लिए आवास की इस योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने हर गरीब के सामने आवास के सपने को साकार किया है। आज हर गांव में हमें प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास देखने को मिलता है और यही नहीं, शहरी क्षेत्र में भी
हम किसी भी मोहल्ले में जाते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भी वहां पर हमें देखने को मिलता है। यह गरीब के जीवन में परिवर्तन करने का आदरणीय प्रधानमंत्री जी का की जो सोच रही है वह साकार होती भी दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जिसको एक सपना देखा जाता था, पहले आवास के नाम पे 20,000 रुपए 25,000 रुपए मिलते थे, लेकिन इस समय जब से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण प्रारंभ हुई 1,20,000 रुपए प्रत्येक लाभार्थी को आवास के लिए, 12,000 रुपए शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी के बराबर रोजगार की सुविधा भी प्रत्येक लाभार्थी को उपलब्ध कराया जा रहा है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली जैसे जनपदों में यह राशि 1,30,000 की आवास के लिए, 12,000 शौचालय के लिए और 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी रोजगार की दृष्टि से उपलब्ध करवाने के साथ ही उसे उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस की सुविधा, हरेक लाभार्थी को सौभाग्य योजना के अंतर्गत विद्युत का निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाने, हरेक लाभार्थी को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा का कवर उपलब्ध कराने और केंद्र और राज्य सरकार की हरेक योजना के साथ साथ विगत 3 वर्षों से एक अभियान चला करके सहजन के पौधे भी उन सभी घरों में लगाने का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश सरकार ने लगाया है, चलाया है। कुपोषित परिवारों को निराश्रित वो आश्रय स्थलों के माध्यम से एक एक दूध देने वाली गाय भी उपलब्ध कराने का कार्यक्रम इस बार से हम लोगों ने प्रारंभ किया है और काफी बड़ी संख्या, लगभग 9,000 से अधिक लाभार्थी अब तक इस योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। आज जब एक साथ 6,10,000 से अधिक लाभार्थी इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनका पूर्व है, अभिनंदनीय है। मैं एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, ग्रामीण विकास मंत्री उत्तर प्रदेश, सभी सांसदगण, विधायकगण, मालिकाना हक की छत नहीं है, उसके पास अपनी छत होगी, अपना घर होगा। हमको इस बात का भी गौरव है कि सिर्फ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री जी ने घर की छत देने का ही योजना नहीं बनाई, समग्र विकास, संतुलित विकास और व्यक्ति का जीवन सुगम हो इस दृष्टि से प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की, जहाँ एक और घर दिया, घर का आकार भी बढ़ाया, घर की राशि भी बढ़ाई, घर में किचन भी बनाने का अवसर प्रदान किया, घर में शौचालय बनाने का अवसर भी दिया और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस का कनेक्शन भी दिया गया। सौभाग्य योजना के अंतर्गत ग्रामीण में क्षेत्र में विद्युत का कनेक्शन भी दिया गया और एक तौर से गरीब का जो जीवन में मकसद होता है और उसकी एक सपना होता है उसको पूरा करने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से हुआ है। मुझे ये कहते हुए गौरव है कि ग्रामीण विकास हो चाहे कृषि का क्षेत्र हो, इन दोनों क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने बहुत प्राथमिकता के साथ भाग लिया है। पहली बार ये हो रहा है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय इस वर्ष 2,00,000 करोड़ रुपए बजट के हिसाब से खर्च कर रहा है। बड़ी योजना मनरेगा, इसकी बड़ी आवश्यकता इस कोविड के संकट के दौरान थी, लॉकडाउन के दौरान थी। 61,000 करोड़ रुपए का बजट होता था, प्रधानमंत्री जी ने इस बार कोई भी व्यक्ति बेरोजगार न रहे, किसी के जीवन को संकट न रहे, मनरेगा में 1,11,500 करोड़ रुपया प्रावधान करके आज निश्चित रूप से गांव-गांव में रोजगार के अवसर खोल दिए गए हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का तीसरा चरण भी प्रधानमंत्री जी ने अपने द्वितीय कार्यकाल में प्रारंभ किया है, रोजगार के अवसर प्रारंभ हो इस दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
ग्रामीण विकास मंत्रालय बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है और मुझे इस बात का भी गौरव है कि देश में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व है और आज प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यक्रम में हम सब उपस्थित हैं और मुझे कहते हुए गौरव है कि आपका घर बनने का काम शुरू हो गया है क्या या फिर अभी नहीं था? घर बन गया है, छत पर गई है, अब प्लास्टर भी होगा, खाली वो होना रंग होना है। अब तक कितना खर्चा किया? खर्चा होगा 1,10,000। वो सारे पैसे समय पे मिल गए आपको? जी। किसी से कर्ज दे करके नहीं लेना पड़ा ना? कर्ज किसी से ब्याज दे करके नहीं था, किसी ने लिया पड़ा। और आपको संतोष है जो पैसे मिल रहे हैं उससे? हाँ संतोष है, कोई दिक्कत। जो पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं आपको आपके खाते में आ जाते हैं? हाँ। किसी पहले कभी बैंक पे जाते थे? कभी बैंक से पैसा वैसा लेना जाना करते थे क्या? ना, कभी कभी नरेगा से आता था, ले लेते थे बन मजदूरी वाला। अच्छा, कब तक घर बन जाएगा? घर बन गया, लमसम लग जाएगा 8 दिन रंग पेंट होने में। कितना समय लगेगा? 1 हफ्ता लग जाएगा रंग पेंट होने में। होने में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। वहाँ फिर तो वहाँ रहने चले जाएंगे? हाँ, फिर का प्रवेश हो जाएगा सर। तो सर सारे पुराने जो पड़ोसी होंगे वो छोड़ना पड़ेगा आपको? नहीं छोड़ना सर, तो मैं पड़ोसी को क्यों छोड़ेंगे। अच्छा नंदन सिंह जी, आपने कभी सोचा था कि इस तरह घर बनाने के लिए सरकार सीधे पैसे आपके बैंक खाते में अकाउंट में जमा करेंगे? कभी नहीं सोचा था आपने? कभी नहीं सोचा था। हाँ, कभी अनुभव नहीं था इस बात को कि समय आएगा। तो आपके परिवार में बच्चों को पढ़ाते हैं आप? जी। अब घर पक्का मिल जाएगा तो बच्चों को पढ़ाएंगे? बिल्कुल पढ़ाएंगे सर। क्या बच्चों से पूछते हैं कभी क्या बनना है, उनको क्या पढ़ना है, पूछते हैं कभी आप? हाँ पूछते हैं। बच्चों को कितना टाइम देते हैं? बच्चे है, लड़की चाल है, लड़का है, वो लड़की की शादी करते हैं। बाकी ये पढ़ता है छोटा। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं है। बहुत बहुत नमस्ते सरकार। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सरकार। तो आपका खुद का घर, ये सपना तो कभी आपने देखा ही होगा? हाँ सरकार। अभी सपना पूरा हो रहा है? पूरा हो गया। अच्छा, अभी जो कच्ची छत का घर है उसमें काफी दिक्कत होती होगी? हाँ दिक्कत आवती सरकार, पानी आवत है। हाँ, चुवत है, बरसात में पानी चुवत है, ओढ़ना भी भीग जाते हैं, का अनाज भी भीग जाता है, हम भी भीग जाते हैं, बैठे के ठौर नहीं रहता है। और अभी पक्का घर बनने से क्या होगा? बहुत लाभ हो जाएगी सरकार। हाँ। बहुत अच्छा हो जाएगी, बन जाएगी तो अच्छा हो जाएगी। हाँ। नीक लगेगी, बढ़िया भी सुरक्षित रहेगी, बड़का बच्चा रहेगी। अच्छा, मेहमान भी बहुत आएंगे पक्का घर हो गया तो। तो मेहमान के लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाना पड़ेगा। हाँ सर। अच्छा, आपको पता है? नहीं सरकार, बनाएंगे। सहायता मिल रही है, कितने रुपये मिलेंगे आपको कुल? सरकार 1,20,000। आपको पक्का मालूम है? हाँ। और अगर मानो इतने कम भेजा तो क्या करूँ? नहीं सरकार, पूरे मिलेगा। अच्छा, पक्का विश्वास है आपको सरकार पे? हाँ सरकार। अच्छा तो कमला जी बताइए कि आपको घर मिल रहा है, आप खुश हैं? नहीं कमला जी, आपकी आवाज नहीं आ रही।
खुश है? बहुत खुश है। तो हमें आशीर्वाद दोगे आप? आशीर्वाद है। क्या आशीर्वाद दोगे बताइए? आप गरीबों के छत देखे बहुत खुशी है। अच्छा, आपने कमला जी कभी सोचा था कि आप घर की मालकिन बन जाएगी? आपके कृपा से घर हो गया। नहीं, मेरी कृपा क्या है, आपकी तपस्या है, तो देश हम सबका है, मेरा नहीं है, हम सबका भी है। हाँ, सबका। तो ये घर आपके नाम हो गया, आपको मालूम है कमला जी? हाँ। अच्छा, आप और क्या काम करते हैं कमला जी? करते हैं बकरी शंभू में है, बकरी पालन। अच्छा, तो वहाँ ये जो महिलाओं के स्वयं सहायता जूल समूह चलते हैं, उसका कभी लाभ लिया है आपने? 20,000 लेके 10 बकरी ले गई। तो कितनी महिलाएं काम करती हैं आपके समूह में? 12 महिलाएं। तो आप लोग मिलकर के तय करते हैं क्या करना है? हाँ, आपको मिलके। अच्छा, आपको सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है? हाँ, सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। चलिए, मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं है, और पक्का घर मिल गया है तो और भी प्रगति हो, और आप सबके आशीर्वाद बने रहे हम लोगों पर, ताकि हम काम ज्यादा करें। नमस्ते सर। कुमकुम जी बताइए, आपको अयोध्या की धरती पर है? यस सर। हाँ, आप अंग्रेजी बोलती है? आपकी पढ़ाई क्या हुई? ज्यादा नहीं पढ़े सर, 8th क्लास पढ़े हैं। स्कूल में थोड़ा काम करते हैं, इसलिए एक्सपीरियंस है सर। आयरन का काम करते हैं सर। अच्छा, आपका अपने घर का सपना जल्द पूरा होना जा रहा है? हाँ सर। कोरोना के समय में आपको कैसे कठिनाई आई? बहुत दिक्कत से झेलना पड़ा। आपको लगा कि इसमें भी आपका घर बन जाएगा? नहीं लगा तो नहीं सर, लेकिन अब महसूस हो रहा है कि हमारा घर है सर। मिल गया है। अच्छा, कुमकुम जी ये बताइए कि इस योजना का लाभ हासिल करने के लिए आपको कोई सी प्रकार की दिक्कत आई क्या? नहीं सर। कठिनाई हुई क्या? नहीं सर। दफ्तर में चक्कर काटने पड़े, पैसे नहीं मिलेंगे, क्या करेंगे? नहीं सर, हमारे गांव के प्रधान जी हैं, उन्हीं से वो हुआ है संपर्क, बस उन्हीं के माध्यम से ये आज कार्य पूरा हो रहा है सर। चलिए, बहुत जल्द आपका घर बहुत अच्छा बन जाए, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, और आप बच्चों को जरूर पढ़ाइए, खास करके माताएं बहने, आप सबको बहुत बहुत बधाई। आपका अपना घर, सपनों का घर, बहुत ही जल्द आपको मिलने वाला है। कुछ दिन पहले ही सूर्य उत्तरायण में आया। कहते हैं ये समय शुभकामनाओं के लिए बहुत उत्तम होता है। इस शुभकामना और ये शुभ समय, उसमें आपका घर बनने के लिए धन राशि मिल जाए तो आनंद और बढ़ जाता है। अभी कुछ दिन पहले ही देश ने कोरोना की वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाया है। अब ये एक और उत्साह बढ़ाने वाला काम हो रहा है। आप सभी से मुझे बातचीत करने का अवसर मिला, आपने अपने भाव भी व्यक्त किए, आशीर्वाद भी दिए, और मैं देख रहा था कि आपके चेहरे पर एक खुशी थी, संतोष था, एक महान जीवन का बड़ा सपना पूरा हो रहा था, ये आपकी नजरों में मुझे दिखता था। आपकी ये खुशी, आपके जीवन में सुविधा भरे
यही मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के सभी लाभार्थियों को मैं एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़ रहे हमारे कैबिनेट के सहयोगी श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास मंत्री भाई महेंद्र सिंह, अलग अलग गांवों से जुड़े इन सभी लाभार्थी भाइयों बहनों, आज दशम गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व भी है। इस पवित्र अवसर पर मैं गुरु गोविंद सिंह साहब के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं सभी देशवासियों को प्रकाश पर्व की हार्दिक बधाई भी देता हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि गुरु साहब की मुझ पर बहुत कृपा रही है। गुरु साहब मुझ सेवक से निरंतर सेवाएं लेते रहे हैं। सेवा और सत्य के पथ पर चलते हुए बड़ी से बड़ी चुनौती से भी लड़ने की प्रेरणा हमें गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन से मिलती है। सवा लाख से एक लड़ाऊ, चिड़ियों स्वर में बात करूं, तवे गुरु गोविंद सिंह नाम कहा। इतना अदम्य साहस, सेवा और सत्य की शक्ति से ही आता। गुरु गोविंद सिंह जी के दिखाए इस मार्ग पर देश आगे बढ़ रहा है। गरीब पीड़ित शोषित वंचित की सेवा के लिए, उनका जीवन बदलने के लिए आज देश में अभूतपूर्व काम हो रहा है। 5 साल पहले मुझे यूपी के आगरा से प्रधानमंत्री आवास योजना इसका शुभारंभ करने का सौभाग्य मिला। इतने कम वर्षों में इस योजना ने देश के गांवों की तस्वीर बदलनी शुरू कर दी। इस योजना के साथ करोड़ों लोगों की उम्मीद जुड़ी है, उनके सपने जुड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ने गरीब से गरीब को भी ये विश्वास दिलाया है कि हाँ, आज नहीं तो कल मेरा भी अपना घर हो सकता है। साथियों, मुझे आज ये भी खुशी है कि यूपी आज देश के उन राज्यों में शामिल है जहां गांव देहात के इलाकों में गरीबों के लिए सबसे तेजी से घर बनाए जा रहे हैं। इसी गति का उदाहरण आज का यह आयोजन भी है। आज एक साथ यूपी के 6 लाख से ज्यादा परिवारों को सीधे उनके बैंक खाते में करीब करीब 2700 करोड़ रुपया उनके खाते में ट्रांसफर की गई। इनमें से 5 लाख से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिन्हें घर बनाने के लिए उनकी पहली किस्त मिली है। यानी इन 5 लाख से ज्यादा ग्रामीण परिवारों के जीवन का इंतजार आज खत्म हो रहा है। ये दिन आप सभी के लिए कितना बड़ा दिन है, कितना शुभ दिन है, ये मैं भली भांति समझ सकता हूं, महसूस भी कर सकता हूं और मन में
एक संतोष का भाव और गरीबों के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसी तरह आज 80,000 परिवार ऐसे भी हैं जिन्हें उनके मकान की दूसरी किस्त मिल रही। अब आपके परिवार के लिए अगली सर्दी इतनी कठिन नहीं होगी। अगली सर्दी में आपका अपना घर भी होगा और घर में सुविधाएं भी होगी। साथियों, आत्मनिर्भर भारत का सीधा संबंध देश के नागरिकों के आत्मविश्वास से है। और घर एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सम्मानजनक तोहफा है जो इंसान का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा दे। अगर अपना घर होता है एक निश्चिंतता होती है, उसे लगता है कि जीवन में कुछ ऊपर नीचे हो भी गया तो भी ये घर रहेगा, मदद करने के लिए काम आएगा। उसे लगता है कि जब घर बना लिया है तो ये दिन अपनी गरीबी भी दूर करके रह लेंगे। श्यामलाल, आज प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा आपके खाते में आया, सरकार के लिए क्या कहना है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सरकार के लिए क्या कहना चाहेंगे, पैसा आपके खाते में दीजिए, आपको घर बन जा रहा है? सरकार के लिए यह प्रार्थना करते हैं कि हमेशा सरकार बनी रहे। कहाँ के रहने वाले हैं आप? खजनी ब्लॉक। आज आवास योजना का पैसा आपके खाते में आया, क्या कहना चाहेंगे? आपका घर बन जा रहा, सरकार के लिए क्या कहेंगे? अरे धन धन भाग्य। कहाँ के रहने वाले हैं? हम खोराबर ब्लॉक सिंहपुर मौर्या पूर्णिया टोला। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज एक जो फंक्शन हुआ है अभी, उसमें जो हमारे टोटल लाभार्थी है 16,815 है, और उसमें से 16,300 जो 55 जो है उन लोगों को आज पहली किस्त दी गई है, और जो सेकंड किस्त है वो 4,000 के लाभार्थी जिनको दे दी। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 अप्रैल 2016 को आगरा से इस योजना की शुरुआत की थी। उसी के क्रम में आज प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश में 6,10,000 किसानों के लाभार्थियों के खाते में पैसे का जो करीब 2,700 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफ़र हुए हैं, जिसमें 5,30,000 प्रथम किस्त के रूप में है और 80,000 द्वितीय किस्त के रूप में लोगों को प्राप्त हुए हैं। ये आवास गरीबों के लिए, गरीबों के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, ये केंद्र और प्रदेश की सरकार ने बखूबी गरीबों के खाते में डायरेक्ट पैसे भेज करके उन योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी, तब से लगातार प्रदेश में जो पिछली सरकारें थीं बार बार केंद्र के आग्रह चिट्ठी आग्रह करने के बाद, चिट्ठियां भेजने के बाद भी उन्होंने लाभार्थियों के नाम नहीं दिए थे, लेकिन 2017 में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनने के बाद जिस तरह से आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तत्परता के साथ गांव में जो आवास बने हैं, मैं समझता हूं कि लगभग जो हमारे टारगेट रहे हैं वो लगभग 100%
पूरा हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2022 तक अब कोई भी गांव का गरीब जिसके सर के ऊपर छत नहीं है अब वो वंचित नहीं रहेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को पुनः धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही साथ अपने मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए कि उन्होंने उस केंद्र की योजना को गांव गरीब किसानों तक पहुंचाने का उन्होंने जो त्वरित काम किया है इसके लिए मैं अपने मुख्यमंत्री जी का हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।